भारत में कोविड-19 के एक दिन में 61,537 नए मामले सामने आने के साथ ही शनिवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 20,88,611 पर पहुंच गई, जबकि 933 और लोगों के दम तोड़ने से मृतकों की संख्या 42,518 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के 14,27,005 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 68.32% हो गई है। देश में अब भी 6,19,088 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 29.64% है। ये लगातार 10वां दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ICMR के मुताबिक शुक्रवार को 5,98,778 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 2,33,87,171 लोगों की कोविड-19 के लिए जांच की जा चुकी है। मौत के 933 नए मामलों में सबसे ज्यादा 300 महाराष्ट्र से हैं, जबकि तमिलनाडु में 111, कर्नाटक में 101 लोगों ने जान गंवाई। अब तक हुए कुल 42,518 मौतों में से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17,092 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 70% से ज्यादा मौतें अन्य बीमारियों के चलते हुई हैं।